तुम लोग बोले हो वो सेम कंडीशन ही है, बैड न्यूज है ना। लेकिन जब हम पेशेंट देख रहे होते और हमें एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज रूबरिक को यूज करना है ना, अगर हम देखें कि इस रूबरिक को कैसे यूज किया जाए या हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें हम किस तरीके से इस चीज को लिया जाए, है ना। ऐसे तो देखें कई बार हमें कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है इन चीजों को लेकर। सपोज दैट कोई जो पेशेंट्स है जिसने बैड न्यूज को लेकर बताया, उसने अब बोला कि हाँ एकदम से किसी ने फोन किया, फोन होने के बाद में पता चला कि मेरा बिजनेस लॉस हो गया। जैसे उसने सुना उसको एकदम से पल्पिटेशन स्टार्ट हो गया, एकदम से उसको हार्ट अटैक आ गया, एकदम से उसको कोई कंप्लेन स्टार्ट हो गई, राइट ना। अब यहाँ पे जाके जब पेशेंट्स तुमने देखा कि इस तरीके से उसने तुम्हें स्टेटमेंट दिया, तो अब यहाँ पे जाके स्टेटमेंट देने के बाद में ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम इसमें क्या लेंगे, एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज लेंगे कि एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेल लेंगे। नहीं, क्योंकि तो अगर देखा जाए तो बिजनेस फेल की वजह से उसको न्यूज मिली, न्यूज मिलने से पेशेंट चला गया, पेशेंट इलनेस में चला गया। क्या इंपॉर्टेंट है, रूब्रिक देखा जाए तो सीधा सीधा सा है, रूब्रिक के साथ में इतना प्रॉब्लम नहीं है, रूब्रिक स्ट्रेट है कि हाँ जहाँ पे कोई भी बैड न्यूज मिलती है उसके बाद में किसी भी पेशेंट के साथ को कंप्लेन डेवलप हो जा रहा है तो हम एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज लेंगे और जिस भी ड्रग के जो सिम्टम्स मिल रहे होंगे हम उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे। कहानी है सीधे सीधे खत्म हो जाती है ना, क्योंकि तो बैड न्यूज को लेके चीजें बड़ी हैं, है ना। बैड न्यूज के बाद में जो कंप्लेन फिजिकल लेवल पर साइकिक लेवल पे कुछ ज्यादा बड़ी है और हमें पेशेंट्स भी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय था जब क्या था कि किसी की डेथ हो गई है, किसी का लॉस हो गया है, किसी का कोई परेशानी में है, तो एक बुरी खबर है तो एकदम से सडन किसी को पता नहीं चलता था। क्यों? कम्युनिकेशन ही नहीं था। अगर किसी की कोई मतलब एक गमी हो गई है तो गमी होने की जो न्यूज थी उसने किसी बस वाले को बोला, उसने किसी को बोला, उसने किसी को बोला, फिर वो जाके पहुंचती थी किसी के पास न्यूज पहुंचे। तो एक तो मतलब एक जो उसमें क्या होता था, एक पीरियड्स निकल जाता था, एक समय निकल जाता था। जब एक समय निकल जाता है, एक पीरियड निकल जाता है, तो वही बात वही न्यूज तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारी इम्यून सिस्टम पे, तुम्हारी वाइटलिटी पे उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ती है जितना सडन आपको कोई न्यूज मिल जाए। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ चल रहा है, क्योंकि अपने पास कम्युनिकेशन कैसा हो गया फास्ट, अब हाल एक एक सेकेंड में मोबाइल पे चीजें चल रही है, इसलिए लोग ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेस में, ज्यादा टेंशन, ज्यादा पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, है ना। क्योंकि तो कम्युनिकेशन की स्पीड कैसी हो गई है, फास्ट हो गई, तुम्हें हाल पता चल जाता है क्या बैड हुआ, क्या किसी के साथ बुरा हुआ, क्या हुआ, है ना। तो आजकल हमें पेशेंट देखने को मिलते हैं और ये चीज ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है पेशेंट्स की वाइटिलिटी पे, इसलिए कई जो बीमारियां हैं वो डेवलप हो रही है पेशेंट के साथ। अब बात वही आती है कि बैड न्यूज तो ठीक है, सडन आपको कोई एक ऐसी न्यूज मिली जिससे आप की जो वाइटिलिटी है, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं हो पाया, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाए और उसने एक पेरिफेरल पे, चाहे वो साइकिक लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, कुछ सिम्टम्स छोड़ दिए। लेकिन जो इंसिडेंस के साथ में वो न्यूज का इंसिडेंस मिला हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो जब जब पेशेंट्स पे तुम देखोगे इस रूब्रिक को यूज करना होगा तुम्हें, तो यहाँ पर तीन चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी, दो या तीन चीजों के साथ में तुम्हें पेशेंट्स को जज करना होगा या पेशेंट्स को हिस्ट टेकिंग में तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम रिपेटरी यूज करना चाहते हो तो। क्योंकि ऐसा बहुत कम होगा कि कोई पेशेंट्स आए बोले कि नहीं यार वो सर वो उसके हमने बुरी खबर सुन ली थी और उसके बाद में हमें कंप्लेन स्टार्ट, ऐसा रेयरली। जो जानता होगा देखो समझता होगा और उसने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि यार ऐसा होने के बाद में ये चीज डेवलप हुई है, तो मतलब 50 केस में से एक या दो केसेस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में तुम्हें निकालना पड़ेगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें परसीव करना पड़ेगा कि है यार इस जो घटना हुई है, जो न्यूज सुनी थी, इसका रिलेशन इस चीज के साथ में है ना। तो तुम डिफरेंट डिफरेंट वे में इस चीजों को देखने को मिलते हो, है ना। एक तो क्या होता है कि जब भी कोई बैड न्यूज आ रही है तो हर एक पेशेंट्स को डिफरेंट वे में अफेक्ट करती है, मतलब अगर 10 लोगों को बुरी खबर मिली है, 10 लोगों को सैड न्यूज मिला है, 10 लोगों को कोई बैड न्यूज मिला है, तो 10 लोगों की वाइटिलिटी पे, 10 लोगों के फिजिकल लेवल पे, 10 लोगों के साइकिक लेवल पे एक जैसे सिम्टम्स नहीं आएंगे, ना ही एक जैसा कोई इम्पैक्ट छूटेगा। कुछ पेशेंट्स होंगे उसको नॉर्मल ही ले जाएंगे, कुछ पेशेंट्स हैं उस कुछ एक शॉर्ट ऑफ लेवल पे जाके अफेक्टेड होंगे, कुछ लोग होंगे वो डीपर लेवल पे जाके अफेक्टेड होंगे।
जिसकी जैसी वाइटिलिटी होगी, जैसी जैसी सेंसिटिविटी होगी, उसकी वाइटिलिटी के रिएक्शन से भी कैसा आएगा बैड न्यूज को लेके, वैसे ही आएगा। अब सेंसिटिविटी कैसे पता चलेगी किसी पेशेंट्स की, है ना, मतलब किसी भी बैड न्यूज से किसी की सेंसिटिविटी कैसे पता चलेगी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप, है ना। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी आता है हम लोग को देखने के लिए, तो हमारे कंसेप्ट वहां पे कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तो अब सेंसिटिव किस प्लेस पे होंगे, सेंसिटिव आप किस प्लेस पे हो रहे होंगे, जहां पे आपको क्या लग रहा होगा वो आपकी न्यूज से आपका कहीं ना कहीं पे कोई नुकसान जुड़ा होगा या कोई आपका फायदा जुड़ा था, और वो न्यूज सुनने के बाद में आपको झटका लगा, राइट ना। अगर उस चीज को लेके आप सेंसिटिव नहीं होंगे तो वो न्यूज का कोई लेना देना नहीं उससे, मतलब ऐसे तो कई लोग घर में डेथ हो जाती है, लेकिन तो हर किसी को क्या उससे डेथ होने से एल्मिनो ग्रीफ में जाके पैथोलॉजी डेवलप होता है, नहीं, लेकिन कई लोग को डेवलप हो जाता है। तो वो जो न्यूज है वो जिस चीज से रिलेटेड, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे किसी भी तरीके से फाइनेंशियल हो, उस सुनने वाले का उससे क्या रिलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। मतलब सपोज दैट कोई जो पर्सन से वो न्यूज उससे रिलेटेड आ रही है, खुद से रिलेटेड, हाँ क्योंकि उस न्यूज को सुन के उसको अचानक से अपने फ्यूचर कैसा लगने लगा, डार्कनेस में लगने लगा, एक इनसिक्योर लगने लगा, कि जैसे तुम्हें कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज मिली तो तुम्हें लगा यार अब हमारा क्या होगा। जब दोनों का कॉम्बिनेशन से, जब न्यूज का भी और तुम्हारी वाइटिलिटी का रिएक्शन, जहां पर तुम बरीडनेस थे अपने आप को लेकर, तो उसने क्या छोड़ा तुम्हारे ऊपर, एक डबल इंपैक्ट छोड़ा, और तुम किस में चले गए, पैथोलॉजी में चले गए, जहां पे तुम्हारा फ्यूचर कहीं खतरे पे नहीं होगा, जहां पे तो उस न्यूज से तुम्हें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो तुम्हारे ऊपर कोई असर छोड़ेगी नहीं, वो एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज में जाएगी नहीं। अभी तुम्हें पता चले क्या यार, वो बगल में एक एक्सीडेंट हो गया है, बाकी एक आदमी मर गया, कोई आया एकदम से, तुम अपने क्लिनिक पे बैठे हुए हो, अरे डॉक्टर साहब बगल में एक एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी मर गया, अरे यार गाड़ी बहुत गलत लोग चलाते हैं और नहीं चलानी चाहिए, अच्छा ठीक है आपको क्या हो गया, आपने दवाई दी, नॉर्मली रिएक्शन दिया, पेशेंट दवाई दे के चला गया, लेके चला गया। अब तुम्हें जो क्लिनिक पे बैठी हो, तुम्हें क्या मिला, एक बैड न्यूज तो मिली, बुरी खबर तो थी, क्या सर वो वहां पर जाके एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी मर गया, लेकिन उस न्यूज से क्या तुम्हारी वाइटिलिटी, तुम्हारा इम्यून सिस्टम अफेक्टेड हुआ, नहीं, लेकिन खबर तो थी, क्यों इम्पैक्ट नहीं डाला उस न्यूज ने, क्यों हम अफेक्ट नहीं हुए हैं, क्यों हमारा उस चीज से कोई रिलेशन नहीं था। जो पर्सन का एक्सीडेंट हुआ वो अननोन था, जिसकी डेथ हुई वो अननोन थी, उसके मरने जीने से हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझने की बात, समझ में आ रहा है क्या, समझ रहे अपन लोग, इस रूब्रिक का इंपॉर्टेंट है काम, वो चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें ये पता नहीं होगा इस इंपॉर्टेंट का यूज कहाँ है और कहाँ उपयोग में है, कहाँ पे यूजफुल होगा, अगर हमें पता नहीं होगा, हम इस रूब्रिक को कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन भाई भी तुम्हें लगे क्या, तुम्हें किसी फादरी का एक्सीडेंट हो गया और यार अब हमारा क्या होगा, सडनली आएगी नहीं चीज, तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, किसी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, किसी ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया, सडनली तुम्हें कोई न्यूज मिली, अरे पापा ने दो प्रॉपर्टी बेटी के नाम कर दी, सारी बेटे को जैसे कि पता चले कि सारी प्रॉपर्टी बिटिया के नाम चलेगी, तो उसे क्या लगने वाला है, झटका, जी ऐसे कैसे हो सकता है, प्रॉपर्टी कैसे वो दूसरे के नाम पे कर सकते हैं। अब वहां पे किसी को गुस्सा आएगा, किसी को ग्रीफ होगा, कोई फियर में जाएगा, कोई को ट्रेम्बलिंग होगा, मतलब डिफरेंट जो पर्सन होंगे उस न्यूज को सुनने के बाद में डिफरेंट डिफरेंट वे में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, मतलब वो कैसा हो जाएगा, एक उनके लिए एलिमेंट्स हो जाएगा, तुम एकदम से पता चले तुम एग्जाम में फेल हो गए, बैड न्यूज है ना। तो उस जो न्यूज है उससे सामने वाले का कितना गहरा कनेक्शन था, वो जब तक फाइंड आउट नहीं होगा तब तक इस रूब्रिक को यूज नहीं कर पाएंगे। इस रूब्रिक में जो सबसे पहली चीज कैसी होती, तुम्हारी
अपने आप को लेके जो स्पेसिफिक वरीडनेस है अबाउट द फ्यूचर, तो जहां पे जब भी पेशेंट के साथ में चीज मिलेगी तब तो हम इसको ब्रेक को क्या करेंगे, यूज करेंगे। सर, अगर किसी को गुस्सा आ गया बैड न्यूज से तो एंजर वाले में जाके खोजेंगे कि यहीं से मिलेगा सर। क्या नहीं, तो फिर उस तरीके से अगर किसी, एंगर बैड न्यूज अबाउट, अच्छा एंगर पे जाके खोजेंगे फिर बैड न्यूज का मतलब नहीं बिल्कुल रह जाए। बिल्कुल एंगर बैड न्यूज अबाउट एंगर करके आएगा उसको लेके, बैड न्यूज अबाउट, हाँ उसको गुस्सा उस चीज को लेके आए। या फिर तुमने जाके, कई बार होता है बैड न्यूज केवल वो चीज नहीं है, तो किसी को फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी अपने लव वंस को खो दिया है ना, किसी ने कोई एक्सीडेंट की खबर सुन ली, क्या ए बैड न्यूज होती है? अभी तुम लोगों ने जितनी भी डेफिनेशन बताए वो सब इसी से कंसर्न करके बताए, तो क्या कोई बुरी खबर सुन है ना, उसी को रिलेटेड, क्या किसी को किसी तरीके से कोई लॉस हो गया जैसे उसको पता चला। एक दूसरा ग्रुप भी होता है, इसलिए इसके क्रॉस रेफरेंसेस बढ़ते जाते हैं। राइट रूबरी तक पहुंचने के लिए आपको दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या बढ़ता जाता है, क्योंकि चीजें कैसी कि सपोजिट कोई पेशेंट्स कैसा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, सेंसिटिव किस चीज को लेके है, उसे क्रुअलिटी नहीं सुनाई देनी चाहिए, उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, उसको खून खराबा पसंद नहीं, उसको एक्सीडेंट नहीं देख पाता है, वो जाके ब्लड नहीं देख पाता है, उसको लगता है सब जगह पीस होनी चाहिए, सब जगह शांति होनी चाहिए, और जैसे उसको पता चले और एकदम से दंगे हो गए, अरे हर पल्पिटेशन बढ़ने लगा, दंगे हो गए कहाँ हो गए कहाँ हो गए। अब उस दंगों से उसका कोई संबंध नहीं है, ना उसका कोई फैमिली मेंबर फंसा है, लेकिन वो सेंसिटिव, सेंसिटिव किस चीज को लेके है, क्रुएलिटी को लेके, क्रुएलिटी को लेके, उसने सामने वाले किसी को मर्डर कर दिया, अरे यार हम भी तो चौराहे से निकलते हैं पैसे लेके, और किसी ने हमारा मर्डर कर दिया, जैसे उसने वो खबर सुनी, अब वो उस दिन से लेके जब वो चौराहे से निकलता है उसको कप कपी होती है बहुत ज्यादा, इधर उधर देखता रहता है, और हर जगह हर एक बहुत ज्यादा सस्पिशियस होता जा रहा है, मिस्ट्रेस फुल में चला जा रहा है, चीजें एग्रेवेट कर गई, डर बैठ गया उसके अंदर, राइट। तो वो सेंसिटिवनेस किस चीज को लेके है, अगर क्रुअलिटीज को लेके, एक जो पेशेंट है उसको बार बार डर लगा रहता है, फिर समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन जैसी कंडीशन, उसको एक्सीडेंट का डर लगा रहता है, अब जैसे उसे कुछ सुनेगा कि नहीं यार वो वहां पर जा रहा था एक्सीडेंट हो गया, वो पता चला कि घर से नहीं निकलना, यार अब हम जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं निकल लूंगी, हम नहीं जा रहे उससे, जबकि उसका कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी पेशेंट के साथ में कैसा है, उसने एक इम्पैक्ट छोड़ दिया। तो एक तो चीज कैसी है कि जहां पर तुम्हारे फ्यूचर जुड़ा हुआ है, और वो न्यूज तुम्हें मिल रही है जैसे तुम्हारा फ्यूचर क्या आ गया, खतरे में आ गया, एग्जाम लॉस ऑफ लवंस, क्योंकि कहीं ना कहीं पे तुम्हारा जब जुड़ा होता है, इमोशनल कनेक्टिविटी हो गई, तो डेफिनेटली तुम थोड़ा सा अफेक्टेड हो गए, और अफेक्टिविटी जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, जिसका जितना जिस चीज से अटैचमेंट होगा, जिसका पैसे से अटैचमेंट होगा फाइनेंशियल, तो उसको फाइनेंशियल लॉस होने पे ही एलिमेंट्स के वे में आएगा, पैथोलॉजी बढ़ेगी, जिसको इमोशनल अटैचमेंट होगा वो इमोशनल लेवल पे जाके उसको सफरिंग आएगी उस चीज को लेके, लेकिन वहां पे क्या देखने को मिलेगा, ग्रेट अटैचमेंट, विदाउट अटैचमेंट कुछ भी नहीं, विदाउट अटैचमेंट कुछ भी नहीं, सिंपल सी कहानी। तो उस न्यूज की जो इंटेंसिटी है कैसे डालोगे, उसके कनेक्शन को देखते हैं, उसकी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करेगी, सेम सिमिलर वे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो अलग वे में तुम्हें दिखाएंगे, उसी के हिसाब से क्या आएंगे उसके सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। बोले एक दूसरा कैसा हो गया तुम्हारा, रिएक्टेड टू द हॉरिबल जो स्टोरीज हैं उनको सुन के, रिएक्टेड टू हियरिंग हॉरिबल थिंग्स, ये भी कैसी होती है, ब्यूटनेस।